हाय फ्रेंड्स, अभी जो मैं आपको प्रोजेक्ट दिखा रहा हूँ, फिलहाल मैं 1 BHK का फ्लैट आपको दिखा रहा हूँ। पारिक ग्रुप डेवलपर हैं और प्रोजेक्ट का नाम है पारिक सेलेस्ट। ये गोरेगांव वेस्ट में फ्री रोड टच है ये, और यहाँ से एक प्लस पॉइंट ये है कि 200 मीटर की दूरी पे यहाँ पे एक जैन देरासर है, और गोरेगांव वेस्ट में SB रोड के पिरामल नगर बोल सकते हैं इस पूरे एरिया को। हाय दोस्तों, मैं विकास बरनवाल, CP यानी ऑथोराइज चैनल पार्टनर ऑफ बिल्डर एंड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। हम लोग 0% ब्रोकरेज में काम करते हैं, और आइए जिस प्रोजेक्ट का मैंने दिखाया है उसका फ्लैट देखते हैं, साइजिंग, प्राइजिंग, PDF और वीडियोस के जरिए, फिर आगे और डिटेल कनेक्टिविटी, साइजिंग सब जानेंगे, साथ ही साथ क्या एमिनिटीज है वो सब भी जानेंगे। अभी मैं पहले आपको फ्लैट दिखाता हूँ, इसके बाद मैं डिटेल प्राइजिंग की बात करूँगा। पहले आप फ्लैट देख लें। वैसे तो इसमें 1 BHK और 2 BHK दोनों टाइप की प्रॉपर्टी है, जोड़ी ऑप्शंस भी है इसमें 1-1 का और 2 और +1 का, लेकिन फिलहाल सैंपल जो बना हुआ है ये एक्चुअल बिल्डिंग के अंदर ही बना हुआ है। नीचे देखें तो छज्जा आपको मिल जाता है, और यहाँ का एक अट्रैक्शन ये है कि प्राइस काफ़ी अच्छा, रीजनेबल प्राइस है। ये प्राइस में इस एरिया में फ्लैट नहीं है, मैं आपको अभी डिटेल में बात करूँगा प्राइजिंग का। हाइट वगैरह जो देख रहे हैं ये एक्चुअल हाइट है, इसमें कुछ डिफरेंस नहीं आएगा, बिकॉज कि ये बिल्डिंग के अंदर ही ये फ्लैट बना हुआ है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। लिविंग डाइनिंग से आगे आने के बाद आपको इधर राइट हैंड साइड पे कॉमन वॉशरूम मिलता है, इस तरफ बाथ एरिया है, राइट हैंड साइड पे इसका बाथ एरिया है, सामने बीच में कमोड, और लेफ्ट में इसका बेसिन आ जाता है। इसके बाद ये एक्चुअली सबसे छोटा 1 BHK जो मैं दिखा रहा हूँ, इसमें इससे एक बड़ा और इससे एक बड़ा, 2-3 साइज़ का है, ये सबसे छोटा 1 BHK है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें इससे 20-20 स्क्वायर फुट बड़ा भी है, तो ये आप देख सकते हैं इसका किचन का स्ट्रक्चर है, फ्रिज का स्पेस है। ये अफोर्डेबल प्राइस के लिए बहुत ही बढ़िया है, प्राइस इसका अच्छा है। गोरेगांव वेस्ट में 1 BHK का फ्लैट बहुत कम, बहुत रेयर डेवलपर बनाते हैं, और ये बना रहे हैं। यहाँ ज़्यादातर 2 BHK और 3 BHK वाले प्रोजेक्ट्स ज़्यादा है। ये हाइट यहाँ पे भी आपको छज्जा देखने को मिल रहा है, हर एक रूम्स में आपको छज्जा मिलता है, और इसमें आप देखें तो इसमें भी मास्टर बेडरूम दिया जा रहा है, मास्टर बेडरूम का वॉशरूम है ये। मैं अभी आपको अंदर से पूरा स्ट्रक्चर एक बार शो करता हूँ किस टाइप का है। और आगे आप पैसेज देख लें इसका किस टाइप का आने वाला है। फिलहाल तो जो कंस्ट्रक्शन स्टेज है वो एक्चुअल मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसका स्टेयरकेस है, इसके बाद मैं आपको को डिटेल देता हूँ। Over 4,000 satisfied families with our company. Because we are working with Mumbai best reputed builders with 100 plus team members. We are providing services like your dreams. And we have received 100 awards and certificates with over 15 years of experience and 1200 project reviews on YouTube. The best real estate company, Property Plaza Vikas Varnavar. ये यस्ट आकार डेवलपर और पारिक डेवलपर के जॉइंट वेंचर पे डेवलप कर रहे हैं, और पिरामल नगर गोरेगांव वेस्ट में मुंबई में ये बन रहा है। ये प्रोजेक्ट लगभग 30 से 40 साल पुरानी कंपनी है, ये दोनों मिलकर जो बना रहे हैं, एक तो नए हैं बट पारिक डेवलपर जो है वो काफी पुरानी कंपनी है। तो आज इसी पारिक सेलेस्ट के बारे में जानेंगे इस पूरे वीडियो में। प्रीवियस प्रोजेक्ट इनके कुछ बना हुआ है, पारिक नगर, भानु शांति पार्क, गोकुलधाम, पारिक टावर, सौरभ अपार्टमेंट, सागर अपार्टमेंट, इन्होंने अंधेरी, पुणे, मलाड़, कहीं अलग अलग जगह पे काफी सारा इन्होंने डेवलपमेंट किया हुआ है। रेफरेंस के लिए मैं आपको 4-5 प्रोजेक्ट का नाम बताया हूँ। अब इस प्रोजेक्ट के बारे में जानते हैं। 1 एकड़ का इसका लैंड एरिया है, फ्री होल्ड लैंड है इसका, 2 विंग की पूरी सोसाइटी है, जिसमें ए विंग में 4 फ्लैट, 2 हाई स्पीड लिफ्ट, 1 स्टेयरकेस है, बी विंग में 4 फ्लैट, 2 हाई स्पीड लिफ्ट और 1 स्टेयरकेस है। एमिनिटीज इसके सारे फर्स्ट लेवल पे है, यानी पहले माले पे है, और रूफ टॉप पे है। ग्राउंड लेवल इसका कवर्ड पार्किंग दिया हुआ है, ओपन पार्किंग एंड स्टेक पार्किंग दिया हुआ है। रेसिडेंशियल इसका स्टार्ट हुआ है फर्स्ट फ्लोर से। रेरा में अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो इसका महारेरा नंबर है P518-000-47291। ये इसका महारेरा नंबर है, इस नंबर के थ्रू आप रेरा के वेबसाइट पे
प्रोजेक्ट रिलेटेड सारा डिटेल देख सकते हैं, समझ सकते हैं, उसके बाद आप खरीदने के लिए हमें फोन करें। रेरा में पोजीशन इसका जून 2025 है, पर बिल्डर आपको अक्टूबर 2024 में हैंडओवर कर देंगे। पूरे प्रोजेक्ट का सीसी रिसीव्ड है, सिटी व्यू फ्लैट्स हैं इसमें, टोटल हिंदू लोकैलिटी के लोग हैं ज्यादातर इसमें, और कंस्ट्रक्शन स्टेज 6 स्लैब इसका, करीबन हाफ कंस्ट्रक्शन लगभग कंप्लीट हो चुका है, 50-60% इसका ड्यू हो चुका है, और सारे बैंकों से अप्रूव्ड भी है। जिस बैंक से आप लोन लेना चाहें इजिली आपको लोन मिल जाएगा। कॉन्फिगरेशन इसमें 1 BHK 2 BHK है और इसमें जोड़ी फ्लैट्स भी अवेलेबल है। कुछ इसके एमिनिटीज जानते हैं, जिमनाशियम, योगा एंड मेडिटेशन एरिया, रूफटॉप गार्डन, गार्डन एंड वॉकिंग पाथ, सिट आउट एरिया, ग्रैंड एंट्रेंस लॉबी है, यहाँ से कनेक्टिविटी का अट्रैक्शन जो है, यहाँ से 200 मीटर पे आपको जैन दरासर मिल जाता है, और SB रोड यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस है। राइजिंग सन प्री स्कूल, डे केयर, एक्टिविटी सेंटर, पाटकर कॉलेज, राज रेस्टोरेंट, गोरेगांव रेलवे स्टेशन, गोरेगांव पुलिस चौकी, ये सब आपको मुश्किल से 5-10 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे, ओबेरॉय मॉल, इनोर्बिट मॉल आप रीच कर जाते हैं दोस्तों। अब आते हैं इसके साइजिंग और प्राइजिंग पे। इसमें 1 BHK का जो फ्लैट है उसका कारपेट एरिया 397 and 432 और 432 स्क्वायर फुट का इसमें 1 BHK का कारपेट एरिया है, जिसकी प्राइस 90 lakh to 1.05 crore, यानी 90 लाख से लेके 1.05 crore के बीच में है। 2 BHK का कारपेट एरिया 602 स्क्वायर फुट का है, 602 स्क्वायर फुट का इसका 2 BHK है, जिसकी प्राइजिंग 1.30 crore से 1.50 crore के बीच में है। फाइनल प्राइस बताना हमें अलाउ नहीं है बिल्डर की ओर से, आप हमें फोन करें तो फोन पे मैं और मेरी पूरी टीम आपको हेल्प करेगी प्रॉपर्टी परचेस करने में दोस्तों। एक्स्ट्रा पार्किंग अगर आप लेना चाहें तो 7 लाख के आसपास इसका पार्किंग चार्ज है। ये जो मैंने आपको प्राइसिंग बताया है ये बेसिक फ्लैट कॉस्ट है, इसके ऊपर आपको रजिस्ट्रेशन, स्टाम्प ड्यूटी, GST वगैरह अलग से आपको आएगा दोस्तों। ये तो मैंने आपको डिटेल दिया पर एक सेलेस्ट का, अब इसके आगे कुछ टेक्निकल चीजें आप समझ लें हमारे इस वीडियो में कि बिल्डर से आपको डील कैसे करना है। ये नॉलेज आपको जरूर होना चाहिए, कभी भी जीवन में आप प्रॉपर्टी खरीदें या किसी को खरीदवाएं तो ये आगे जो मैं वीडियो बताने वाला हूँ उसको आप देखें जरूर, उससे काफी सारे आपको हेल्प मिलने वाला है। बहुत सारे लोग हमारे इस वीडियो को देखने के बाद डायरेक्ट चले जाते हैं प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं प्रॉपर्टी डायरेक्ट लूंगा तो हमारा ब्रोकरेज का फीस, यानी CP जो चैनल पार्टनर होते हैं उसका ब्रोकरेज चार्ज बच जाएगा। दोस्तों आपको एक बार बता दूं, बिल्डर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो वहां पे बैठ के प्रोजेक्ट को बेचे, क्या क्या चीजों को वो इंक्लूड करते हैं। जब कोई भी फाउंडेशन वो डालते हैं ना किसी प्रोजेक्ट का है तो एक नई कंपनी बनाते हैं ज्वाइंट वेंचर में या फिर खुद की CA के द्वारा, और उसके बाद क्या क्या चीजें कैलकुलेट होता है एक प्रोजेक्ट को सेल करने के लिए वो आज आप ध्यान से समझें। पहले तो लैंड का प्राइस कैलकुलेट होता है, उसके बाद जो CA के चार्जेस होते हैं, इंजीनियर का चार्जेस होता है, आर्किटेक्ट का चार्जेस होता है, साथ ही साथ ये सब होने के बाद फिर वो कंस्ट्रक्शन होगा उसके लिए एक कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, चलो इस कंस्ट्रक्शन को पूरे बिल्डिंग को कंप्लीट करेंगे और बना के उसको हैंडओवर। साथ ही साथ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, MBMC होती है, BMC होता है, TMC होता है, कहीं ग्राम पंचायत होता है, तो ये सारों जो गवर्नमेंट बॉडी जहाँ पे काम करती है, गवर्नमेंट अथॉरिटी जहाँ पे काम करती है वहां से परमिशन लिया जाता है। ये तो बेसिक बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन का खर्चा हो गया। इसके बाद ऑफलाइन मार्केटिंग, जो हाईवे पे होर्डिंग्स लगता है, बोर्ड लगता है उसका, पैम्पलेट्स होते हैं उसका, ब्रोशर होता है उसका, ऑनलाइन मार्केटिंग में जिसमें वेब पोर्टल्स होते हैं, जो प्रॉपर्टी पोर्टल्स होते हैं जिसमें मैजिक ब्रिक, 99 एकर हाउसिंग, ये सब जो पोर्टल्स होते हैं। इसके बाद एजेंट मार्केटिंग की बात करता हूँ, जो रियल एस्टेट एजेंट यानी चैनल पार्टनर्स या प्रॉपर्टी डीलर्स को जो ब्रोकरेज दिया जाएगा वो भी ये सारे प्राइस को इंक्लूड करके फिर डिसाइड होता है कि प्रोजेक्ट का पर स्क्वायर फुट प्राइस क्या होगा। बिल्डर पहले से ही सारे प्राइस को इंक्लूड करके फिर वो एक पर स्क्वायर फुट प्राइस बनाते हैं। इसके बाद जो वो सेल्स टीम हायर करते हैं, सेल्स टीम का भी जो 2-3 साल में क्या खर्च आएगा सेल्स टीम को लेके, एक 10 लोगों की या 8 लोगों की टीम होगी उस प्रोजेक्ट को बेचने में, उसका भी पूरा एक एक्सपेंस जोड़ दिया जाता है। पूरा एक्सपेंस जोड़ने के बाद पर स्क्वायर फुट प्राइस डिसाइड करते हैं, फिर वो फिर मार्केट में लॉन्च करते हैं कि ये प्राइस में बेचना है। तो फ्रेंड्स कहां से आपका प्राइस बचेगा ये आप एक कैलकुलेशन लगा सकते हैं। आप देखें कहीं कहीं पे सोल सेलिंग टीम नहीं होती और कहीं कहीं पे उनकी सेल्स टीम नहीं होती, तो किसी किसी को मैंडेट दे दिया जाता है कि भाई मैं 500 से 1000 फ्लैट का प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, मेरा काम है बनाना और आपका काम है सेल करना। दोस्तों उसमें ना एक अच्छा खासा पर स्क्वायर फुट पे कमाई होती है, 500 rupees पर स्क्वायर फुट पे कमाई होती है मैंडेट टीम की। एक प्राइस डिसाइड होता है कि इतना बॉटम प्राइस आपका है, इसके ऊपर जो भी मैं प्राइस में सेल करूंगा पूरा का पूरा मेरा रहेगा। सपोज
बिल्डर अगर 15,000 रुपया 15,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट अगर प्राइस वो देता है सेल करने के लिए, और मैंडेट टीम जो होती है, सोल सेलिंग टीम जो होती है, अगर वो 16,000 रुपये पर स्क्वायर फुट में बेचती है तो 1,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट का उसको अलग से कमीशन बन जाता है दोस्तों। तो ये कोई आपको नुकसान करने वाली चीज नहीं है। और सीपी के साथ जाने में क्या फायदा है आपको, फर्स्ट टाइम जब विजिट करते हैं ना बिल्डर के प्रोजेक्ट पे, उसी टाइम आप सीपी को साथ में लेके जाएं। नहीं तो कई बार ऐसा मैंने देखा है प्रैक्टिकल की, विकास जी मैंने जाके वहां पे विजिट किया है, अब आप बताइए प्राइसिंग में क्या करा पाएंगे। इस चीज को देख के दोस्तों मैंने कई बार देखा है कि एक बार जब आप बिल्डर के सिस्टम में एंटर कर जाते हैं, उनके सॉफ्टवेयर पे आपका नाम, आपका कॉन्टेक्ट नंबर जब एक बार रजिस्टर हो जाता है, तो आप तकरीबन 3 से 6 महीने के लिए आप उनके साथ लॉक हो जाते हैं। उसके बाद जब क्लाइंट हमारे पास आते हैं, बायर हमारे पास आते हैं कि हमारा प्राइस का क्या होगा, डॉक्यूमेंटेशन का क्या होगा, तो उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि डेवलपर का ये कहना है कि ये हमारे डायरेक्ट कस्टमर है, इसमें आप इंटरफेयर ना करें। आप इंटरफेयर करेंगे तो फिर कुछ मतलब नहीं है, आपको हम कंसिडर ही नहीं करेंगे, आपको हम काउंट ही नहीं करेंगे। तो कभी भी फर्स्ट टाइम जब आप बिल्डर के प्रोजेक्ट पे जाते हैं तो उसी टाइम अपने सीपी को साथ में लेके जाएं, जिसको भी उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड नॉलेज है। अभी मैं जो भी मार्केटिंग कर रहा हूं ना अपने चैनल पे, इस सारे प्रोजेक्ट का आप देखें तो डॉक्यूमेंटेशन डिटेल सब कुछ हमें पता होता है, तब जाके हम उस प्रोजेक्ट का प्रमोट करते हैं अपने चैनल पे ऑनलाइन या फिर कोई भी वे से। प्रोजेक्ट का क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, उसका भी नॉलेज आपको नहीं है। रेरा के क्या नॉर्म्स लिखे हुए हैं, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट क्या है, कब उसका ओसी आने वाला है, क्या उसका बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट रहेगा, लीगल नॉर्म्स भी आपको पता नहीं होता है। उस एरिया में जो सीपी काम कर रहा है, चैनल पार्टनर काम कर रहा है, उसको पूरा ओवरऑल इन एंड आउट उस प्रोजेक्ट रिलेटेड पता होता है दोस्तों। कई बार हमने ऐसे बुकिंग करवाया है, देखा है कि जो डायरेक्ट कस्टमर गए हैं उन्होंने 15,700 में बुकिंग किया है, मैंने जो और मेरी टीम ने जो बुकिंग करवाया है 15,100-200 में बुकिंग कराया है। कहीं ना कहीं 600-700 रुपए का फर्क पड़ता है। 1,000 से 2,000 स्क्वायर फुट का अगर आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो 700 के हिसाब से 1,000 स्क्वायर फुट की प्रॉपर्टी की कीमत में आपको 7 लाख रुपए का फर्क पड़ता है। करीबन अगर जोड़ी फ्लैट आपने लिया तो 14 लाख रुपए चला जाता है। ये प्रॉपर्टी का मामला है दोस्तों, यहाँ पे ना 2-5 हजार 10 हजार का गेम नहीं होता। अगर थोड़ी सी चीजें आपको पता ना हो ना तो सीधे सीधे 10-15 लाख रुपए आप ज्यादा से ज्यादा दे के आ जाते हैं। और वहां पे क्या डिस्काउंट चल रहा है, क्या स्कीम चल रहा है, क्या ऑफर चल रहा है, कई बार तो ये देखने को मिला है कि बिल्डर प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, स्टाम्प ड्यूटी जो 6% 7% आज के मार्केट में चल रहा है वो डिस्काउंट होता है, कभी कभी रजिस्ट्रेशन चार्ज डिस्काउंट होता है, कभी कभी पीएलसी यानी प्रीफर लोकेशन चार्ज नहीं होता, कभी कभी फ्लोराइज नहीं होता जो आपको पता नहीं होता है। बोर्ड पे लिखा होता है स्टाम्प ड्यूटी डिस्काउंट है, बट अब आप जाते हैं तो डिस्काउंट का टाइम खत्म हो चुका है, अभी आपको स्टाम्प ड्यूटी भरना पड़ेगा, स्टाम्प ड्यूटी पे करना पड़ेगा, और उसके नाम पे फिर आपसे 5 से 10 लाख रुपए ज्यादा ले लिया जाता है। ऐसे मैंने कई जगह एक्सपीरियंस किया है, और बड़े बड़े ब्रांड का मैं आपको बता दूं डेवलपर हैं जिन्होंने ये काम किया है। मैं ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहता ऑनलाइन, नहीं तो मेरे ऊपर काफी रिस्क हो चुके, काफी सारे केसेस भी चल रहे हैं, तो मैं ब्रांड का नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन जनरल सी बात बता दूं, बड़े बड़े ब्रांडेड डेवलपर की बात कर रहा हूं जिन्होंने स्टाम्प ड्यूटी डिस्काउंट बोल के कस्टमर से स्टाम्प ड्यूटी का पैसा ले लिया, फ्लोराइड ले लिया, और पीएलसी के नाम पे 4-4, 5-5 लाख रुपया ले लेते हैं ये, कि भाई हम आपको फॉरेस्ट फेसिंग में देंगे तो 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा लेंगे, हाईवे फेसिंग में देंगे तो नॉर्मल प्राइस में सेल करेंगे। जो कोई इन्वेस्टर्स होते हैं ना वो जानते हैं प्रोफेशनल्स की कीमत। कई बार मेरे जो इन्वेस्टर्स हैं एनआरआईस हैं, अब्रॉड के हैं या इंडियंस हैं, तो वो कहीं भी ऑफलाइन ऑनलाइन उनको इन्फॉर्मेशन मिलता है प्रोजेक्ट का, तो वो सामने से आके एक बार कांटेक्ट करेंगे कि विकास जी हमने ये प्रॉपर्टी देखा है, आप या फिर आपका कोई सेल्स पार्टनर हो हमारे साथ चलो, हमें वो प्रॉपर्टी परचेस करना है, क्योंकि उनको पता होता है कि एक प्रोफेशनल पर्सन जो हमेशा उस काम को लेकर प्रैक्टिस कर रहा है, उसको जो नॉलेज है, उसको जो एक्सपीरियंस है, वो नॉलेज एक्सपीरियंस के साथ काम करेगा। तो आपका काम रोज का प्रॉपर्टी सेल करना नहीं है। आप 10 साल 20 साल 30 साल में जो लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना वही डायरेक्ट जाते हैं, कभी सीपी को छोड़ देते हैं तो कभी जो उनको रास्ता बताते हैं चैनल पार्टनर या ब्रोकर उनको छोड़ देते हैं और डायरेक्ट चले जाते हैं कि मेरा ब्रोकरेज बच जाएगा। दोस्तों जो हर 2-3 साल में पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉपर्टी में ट्रेडिंग करते हैं, उनका पर्सनली एक सीपी या ब्रोकर या प्रॉपर्टी डीलर होता है जिसको वो हर प्रोजेक्ट पे लेके जाते हैं, वहां पे जाके वेरीफाई करवाते हैं, एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चेक करवाते हैं, उनको सामने से ब्रोकरेज भी देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक प्रोफेशनल पर्सन जो है वो अपने प्रोफेशन में एक्सपर्ट है, उसको साथ में देना बहुत जरूरी है। ये नए लोग जो 10-20 साल 30 साल में जीवन में एक दो बार प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना, वही
इस टाइप का काम करते हैं कि मैं प्रोजेक्ट पे जाऊं और हमारा ब्रोकरेज बच जाएगा, उसको क्रॉस कर दूं, ये सब कभी ना करें। बहुत सारे नुकसान से आप बच जाएंगे, आपको बहुत बेनिफिट होगा सीपी के साथ जाने में। आप ज्यादा से ज्यादा एक दो या तीन प्रॉपर्टी खरीदते हैं। हम लोग बिल्डर के साथ बल्क में साइन करते हैं, हम लोग 100-200 प्रॉपर्टी बेचेंगे। आप बिल्डर को 2 या 3 करोड़ 5 करोड़ का ट्रांजेक्शन कराएंगे, हम लोग 100-200 करोड़ 300-300 करोड़ दिलवाते हैं। आप एक जनरल सी बात सोचो दोस्तों, बिजनेस माइंडेड लोग जो ज्यादा पैसा देता है ना उसका ज्यादा वैल्यू होता है। अगर हम 200 करोड़ 300 करोड़ बिल्डर को देने का कमिटमेंट कर रहे हैं, आप 1-2 करोड़ का अगर देने का कमिटमेंट कर रहे हैं, तो आप वो हमें ज्यादा इंटरटेन करेगा या आपको ज्यादा इंटरटेन करेगा, ये आप समझने की कोशिश करें। हम जाते हैं प्राइजिंग में सीधे, जो वो प्राइस बोलते हैं उसमें 1000 रुपीज 500 रुपए पर स्क्वायर फुट डाउन कर देते हैं कि भाई हम आपको इतना माल बेच के देंगे, इतना प्रॉपर्टी बेच के देंगे, इतना हम टर्नओवर करवाएंगे आपका। बिल्डर भी समझता है कि हाँ ये करवा सकता है, इनके पास इतनी कैपेसिटी है, मार्केटिंग है। वो जो बेनिफिट होता है ना हमें बल्क में बेचने के लिए, वो हम अपने कस्टमर्स को ले जाके देते हैं। दोस्तों एक बात बता दूं, कोई भी डेवलपर कोई भी बिल्डर हमें कुछ फ्री में नहीं देने वाला है। हम पूरा का पूरा टीम जो हमारी काम करती है वो कस्टमर के फेवर में काम करती है। कस्टमर को भी प्राइस कम करवा के देंगे, सर्विस भी देंगे, डॉक्यूमेंटेशन भी चेक करेंगे, साथ ही साथ डेवलपर से जो हमें फीस मिलता है एज ए ब्रोकरेज एज ए सीपी चैनल पार्टनर का फीस मिलता है वो अलग। तो ये दोनों लेवल पे आपको बेनिफिट हो जाता है। एक आपके साथ एक सर्विस देने वाला पर्सन होता है, दूसरा आप देखें तो डेवलपर को भी एक मोटा पैसा हमारी ओर से 1% उसको दिला देते हैं। वो अगर प्रोजेक्ट बेचने में 1 साल लगेगा तो अगर हमारे जैसे पावरफुल एजेंट्स जो होते हैं जो 100-200-300 प्रॉपर्टी बेचते हैं, जनरली उनको 6 महीने में पूरा प्रॉपर्टी बेच के दे देते हैं, पूरी बिल्डिंग बेच के दे देते हैं। इसके लिए वो हमें ज्यादा एंटरटेन करेंगे, हमारे से प्राइसिंग पे ज्यादा नेगोशिएशन करते हैं। आपसे तो बेहतर ही रहेगा 2-3 प्रॉपर्टी आप खरीदेंगे, हम लोग 100-200-300 प्रॉपर्टी सेल करेंगे। इसीलिए हम लोग हमेशा कस्टमर के फेवर में ही काम करते हैं, ताकि कस्टमर अगर प्रॉपर्टी लेगा तो ही हम लोग फिर ब्रोकरेज बिल्डर हमें देगा, या तो हम एज ए चैनल पार्टनर वर्क करें, एज ए प्रॉपर्टी डीलर या फिर प्रॉपर्टी कंसल्टेंट आप हैं तो हम हैं। कस्टमर के लिए ही हम लोग ज्यादातर काम करते हैं, क्योंकि कस्टमर अगर प्रॉपर्टी का पैसा देगा तो ही ब्रोकरेज हमें मिलेगा, ब्रोकरेज फीस हमें मिलेगा। तो हमारा कमिटमेंट हमेशा ये रहता है कि बिल्डर को तो करना ही है, साथ ही साथ कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट कैसे मिल जाए, उससे हमें कई फायदे होते हैं। एक फ्यूचर रेफरेंस हमारे लिए बढ़ जाता है, वो अपने रिलेटिव दोस्त को जाके बोलते हैं कि आप प्रॉपर्टी प्लाजा और विकास बरनवाल जी के साथ में काम करो या फिर उनके टीम के साथ में काम करो, आपको बेनिफिट होगा। डिमांड एंड सप्लाई, इन फ्यूचर अगर आप NRIs हैं या फिर आप केयर टेकिंग नहीं कर सकते हैं तो उसमें भी हमारी पूरी टीम होती है जो प्रॉपर्टी का केयर टेकिंग करना, बाद में रेंट आउट करना या फिर रीसेल करना हो जब उसका प्राइस एक लेवल पे हाइप हो जाता है तो, या फिर नए प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना उसके लिए कुछ एडवाइजिंग हो गया या नया कोई अर्जेंट सेल प्रॉपर्टी आई तो वो एक नोटिफिकेशन देना, ये पूरी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हमारे कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट कैसे दिलाएं ताकि वो फ्यूचर में हमारे लिए रेफर करें अपने रिलेटिव को, अपने दोस्त को, अपने आसपास में रहने वाले लोगों को। दोस्तों सीपी के पास कई ऑप्शंस होते हैं, आपको पता नहीं होता कि एक लोकेशन में क्या क्या कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन बट एक चैनल पार्टनर के साथ काम करने में आपको प्रॉफिट क्या होता है, बेनिफिट क्या होता है, उसके पास कई ऑप्शंस होते हैं जो उसी प्रोजेक्ट से मिलता जुलता है। उसमें भी आपको हेल्प मिल जाता है कि क्या क्या कहाँ कहाँ पे सर्वे करना है। दोस्तों अभी जो हमने प्रोजेक्ट दिखाया आपको, ऐसे में नए नए प्रोजेक्ट हमेशा लेके आते रहता हूँ। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलूंगा नए वीडियो में नए प्रोजेक्ट के साथ, नए कोई अर्जेंट सेल वाली प्रॉपर्टी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कारम।